नमस्कार जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो अभी सुबह के बजे हैं 9:45 और आधे काम करके हुए हैं और आधे ऐसे ही रखे हुए हैं। और धारा अभी उठ कर आई है और आकर सीधा यहाँ पर ही बैठ गई है। तो धारा ने अभी ना तो ब्रश किया है ना कुछ किया है और अपने खिलौने लेकर बैठ गई है। देखो धारा और उनके पापा दोनों ही यहाँ पर बैठे हैं। धारा गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा। तो अभी मैं आपके साथ धारा की मस्ती और मासी के घर का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। धारा ने वहाँ पर बहुत ही मजे किए है और धारा को वहाँ पर रुकना था, अभी यहाँ घर पर वापस नहीं आना था। धारा बोल रही थी कि मम्मा अभी हम यहाँ पर कुछ दिन रुकते है, पर हम एक दिन के लिए ही गए थे तो फिर कभी जाएंगे, है ना धारा? धारा को गांव में बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि सारी चीजें नई नई देखने को मिल रही थी। धारा कभी गांव में ऐसे गई नहीं थी तो इसी वजह से। तो चलिए धारा की मस्ती और धारा की बातें और मासी का गांव आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना और प्लीज मुझे कमेंट करके जाना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। बाय, जल्दी कर, जल्दी फटाफट केम पकड़ाई थाईडी आओ जो तो ही तने कैसे होई पसे तू पसे एम के मने मारी मम्मी आम कैसे तारा? देखो कितने नखरे कर रही है अभी, कब से बोल रही हूँ पर ये दूध नहीं पी रही है। नाश्ता तो नहीं करना, दूध भी नहीं पी रही है। धारा गिर जाएगा हाथ से, देखो देखो जल्दी करो, अभी खाने का टाइम हो जाएगा, 11 बज गए हैं, चलो जल्दी। देखो सुनती भी नहीं है। आ तो हमारी हवम एवी लपरी से ने जो हंदा और ये है गांव का चोरा, आप देख रहे हो सामने जो दादाजी बैठे हैं वो। और ये है यहाँ का रामजी मंदिर जो अभी नया बन रहा है क्योंकि ऊपर खपरेल वाला था तो अभी तोड़ के नया बना रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से गांव दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर दादाजी बैठे हैं और ये रामजी मंदिर है जो नया बन रहा है। अंदर अभी भगवान नहीं है और सामने है मासी का घर, यहाँ पर इनकी छोटी सी दुकान। आ मंदिर क्यों से ये भोलेनाथ का मंदिर है तो ये भी नया बन रहा है शायद। और वहां से हम आए थे कल, वो रास्ता मेन है, वहां पर भी मंदिर है हनुमान जी का, गणपति महाराज का। तो अभी मंदिर बंद है देखिए क्योंकि दोपहर के 11:30 बजे है। तो चलिए पूरा गांव दिखा दिया, ये चार रास्ते यहाँ से चौक है पूरा ही, ये गांव का मेन चौक कहते हैं। और किसी भी गांव में आप जाओगे तो वहां पर पहले राम जी का मंदिर ही आएगा, कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसके यहाँ पर राम जी का मंदिर नहीं होगा। तो चलिए अभी मासी बना रहे हैं दोपहर का खाना और मैं यहाँ पर आपको गांव दिखा रही हूँ। और अभी साहब जी और सब यहाँ पर बैठे है, देखो धूप भी बहुत हो रही है। शायद मेरा चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। और वहाँ पर छोटा सा बच्चा पतंग लेकर खड़ा है छत के ऊपर, देखिए क्योंकि अभी मकर संक्रांति आने वाली है तो अब यहाँ पर सारे ही बच्चे पतंग उड़ाएंगे। तो चलो धारा सब्जी चलिए कि बैठना है अभी आपको, चलो अभी 12 बज जाएंगे और खाना पीना हो जाएगा फिर हम यहाँ से निकलेंगे। पहले सोचा था हमें सुबह ही निकल जाना था पर मासी ने और ये भाई साहब ने हमने निकलने नहीं दिया, वरना आधे रास्ते पहुंच भी हो गए होते हैं ना। देखिए गौर से इस इंसान को, इसी ने हमने मना कर दिया था जाने के लिए कि रुक जाइए दोपहर का खाना पीना करने के बाद जाना। और धारा को अभी नहाना भी है और देखो आ गई है सीधी दुकान पर। और ये देखो इस तरीके से सारी चीजें देख रही है। बस धारा का यही काम रहता है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद।
મોઢામ દે મોઢામ દે તો ઈ તો ઈ કેમ પે તાર ભેગી રમે જો દે મોઢામ દે નીચે પડી છોવે ને ખેચાય ને દે હવે ને ગડુ જો દે લીધો તો તારા મમ્મી જો ભેર બેઠકો ક્યા વાકાઈ ખાઈ જાય નો કાઈ ખાઈ જાય फूल देखिए पूरा ही गार्डन बना हुआ है। आप देखो यहाँ पर और यहाँ पर दाल सुखाई है चने की। क्या है दरा? ये है बफेलो का बच्चा, भैंस का बच्चा। और यहाँ पर लगाई है सारी ही सब्जियाँ। देखिए यहाँ पर बैंगन है छोटे वाले, देखो दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर बैंगन का पौधा लगा हुआ है, सामने भी बैंगन है। यहाँ पर है वालोर फली, जो मैंने सब्जी बनाई थी वो वाली, देखो यहाँ पर है। और यहाँ पर भी है वालोर फली का वेला। और सारी ही सब्जियाँ हैं, दो तीन तरह के बैंगन है, हरी मिर्च है, यहाँ पर भी है बैंगन, देखो यहाँ पर है ये बैंगन, ये वाले दूसरे वाले। और यहाँ पर है लाल मिर्च, हरी मिर्च भी है। और गुलाब तो बहुत सारे हैं, देखिए पूरा ही पौधा फूलों का भरा हुआ है। देखिए एक एक टहनी में पांच पांच छः छः गुलाब है। और ये है पपीते का पौधा, सामने है नींबू का पेड़, यहाँ पर है देखो पपीते बहुत सारे लगे हुए हैं। और अभी मैं आपको वालोर फली दिखाती हूँ, ये बड़ी वाली वालोर फली है। देखिए पहले दिखाई वो छोटी वाली थी, ये बड़ी वाली है। तो यहाँ पर इन लोगों ने अपने आंगन में ही सब्जियां सारी लगाई है। और धारा भी मेरे पीछे पीछे आ गई, देखो। और यहाँ पर है पपीता, अमरूद का पेड़। और यहाँ से मैं अंदर जाऊंगी अभी, तो यहाँ पर है ये नींबू, देखिए यहाँ पर अभी ये छोटे छोटे हैं। यहाँ पर है ये बड़ा सा नींबू, तो देखिए नींबू का पेड़ कितना बड़ा है। और वहाँ पर है सामने, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता है। तो अभी हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही काटती है। और यहाँ पर भी बहुत सारे पपीते हैं, देखिए ऊपर अभी कच्चे हैं, पके नहीं है। और पेड़ के पके हुए पपीते बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलिए निकलती हूँ मैं यहाँ से बाहर। और यहाँ पर लगा हुआ है करी पत्ता, तो ये मासी के घर के पास में ही इनका घर है। और यहाँ पर है ये क्या कहते हैं इसे, ये हम जो अरहल की दाल बनाते हैं, ये है ये कच्ची वाली दाल, अरहल की दाल का पौधा है। इसमें ये अरहल की सींग है और इसमें दाने भी है अरहल के, अरहल की दाल के। और इसकी सब्जी भी बनती है बहुत ही अच्छी। और जब ये सिंग पक जाती है फिर इसमें से दाने निकलते हैं और फिर इसकी दाल बनती है। तो अभी मैं आपको छील के भी दिखाती हूँ। तो अभी ये कच्चे वाले दाने हैं, देखिए ये अरहल की दाल है जो हम दाल चावल में दाल बनाते हैं वो वाले। और इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है और खाने भी टेस्टी लगते है। तो धारा खेल रही है और ये जो आंटी दिखाई दे रहे है इनका घर है। और इनकी ये आंगन में लगाई हुई है सब्जी। और ये पटेल है, तो हमारे यहाँ ये पूरा गांव पटेल का ही है। देखो बहुत ही बड़ा आंगन है, गाय भैंस सारी चीज रखी है। और ये मासी का घर है ये, और मेरी मासी सास का घर है वो जो आपको गेट दिखाई दे रहा है उसके पास में। देखो धारा ने कितने सारे फूल निकाल लिए पौधे से, क्यों तोड़े धारा तुमने? इसलिए। तो चलो अभी खाने का टाइम हो रहा है और मैं और धारा दोनों ही गाँव में घूम रहे है सभी के घर। और मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना। और धारा देखो फूल के पीछे लगी हुई है, सभी पौधों में से एक एक फूल निकाल लिया धारा ने। तो चलो धारा अभी नहीं, बस चलो हो गया दबाने की। धारा धारा फूल नहीं,